जय मसीह की। फिर से इस डिवोशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। जब हम इस कठिन दौर पर होकर जा रहे हैं, हमारे जीवन में काफ़ी सारे प्रश्न या काफ़ी सारे संदेह या काफ़ी सारे चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ने से रुक सकते हैं। आप और मैं विश्वासी हैं प्रियो, हम इस यात्रा में अकेला नहीं है, परमेश्वर हमारा साथ है। जिस चीज़ों को हम लोग ने कल देखा है, जैसे कल से हम लोग ने इस सीरीज को शुरू किया है, संकट के समय पर विश्वास में होकर हम कैसे प्रतिक्रिया कर सकते हैं, हमारे प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, जिसमें मैंने कल बताया जब आप और मैं संकट में होकर जाते हैं, कभी परमेश्वर हमको अकेला नहीं छोड़ता है। और आप और मैं इस बातों पर विश्वास करना जरूरी है जो परमेश्वर हमारा साथ है। परमेश्वर वायदा देता है और उस वायदे को अपने जीवन में पूरा भी करता है। परमेश्वर कभी हमको अकेला नहीं छोड़ता है प्रियो। और वही उत्पत्ति 32वीं अध्याय, उसमें हम याकूब के जीवन को देखते हैं। उसमें हमने देखा है जब उनके जीवन में संकट आया और उस वक्त उनकी प्रतिक्रिया कैसे थी। जैसे मैंने कल बताया है, परमेश्वर उनके साथ रहा, उस चीज़ों को उन्होंने जाना है, और उसके बाद भी वो डर गया है क्योंकि उन्होंने सुना उनके भाई ने 400 लोगों को, 72 लोगों को लेकर उनसे मिलने के लिए आ रहा है। इनको पता नहीं है क्यों वो आ रहा है, लड़ने के लिए आ रहा है या उनसे प्यार से मिलने के लिए आ रहा है, परंतु संदेश यही था, वो आ रहा है, सुनकर ये डर गया है। और एक दूसरा प्रतिक्रिया को हम देखते हैं जब आप 8वीं और 9वीं वचन को देखें, उसमें लिखा है उन्होंने सोचा यदि ईसा आकर उनके साथ लड़े और उनके पास जो भी है उसको नाश करें, तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई। वो अपनी खुद की प्रयास, खुद की मेहनत कर रहा है इस संकट से बचने के लिए। और हम देखते हैं उनके परिवार को, उनके पास जितने भी संपत्ति था, सब चीजों को उन्होंने दो भागों में बांटा और एक को आगे भेजा है, एक को और पीछे रखा है। और उनकी सोच यही था, यदि उनके भाई आकर एक को नाश किया है तो दूसरा जरूर बच जाएगा। मतलब ये है प्रियो, वो अपनी क्षमता में अपनी प्रयास कर रहा है ताकि उनकी समस्या को जरूर समाधान ढूंढ सकें, परंतु ये नहीं हो पाएगा। आप और मैं विश्वासी हैं प्रियो, जब हम मानते हैं परमेश्वर आपके साथ है, हमारा साथ है, फिर आप इन सब प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर जो कहता है उस चीज़ों को करते हुए उनके पीछे हम चल सकते हैं, अपनी विश्वास की यात्रा को हम आगे बढ़ते जा सकते हैं। चाहे हमारे सामने परिस्थिति कितने भी गंभीर खड़े हो, उन सब चीज़ों को संभालने वाला परमेश्वर आपके साथ है, तो फिर क्यों हम डरना है। और आप और मैं एक बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, जो हमारी प्रतिक्रिया जब हम संकट में होकर जाते हैं वो ये होना चाहिए, हमारी नज़र को हम उस समस्या के ऊपर ना रखें, परंतु उस समस्या को समाधान लेकर आने वाला उस परमेश्वर के ऊपर अपनी नज़र रखें। जो कल हम लोग ने सीखा है, आप अकेला नहीं हैं, हम इस कठिन दौर पर अकेला नहीं हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के ऊपर हम सहारा ले सकते हैं। हमारी प्रतिक्रिया ये होना चाहिए, हम विश्वास करें परमेश्वर हमारा साथ है। और दूसरी प्रतिक्रिया है, जब संकट में होकर जाते हैं, हम उस समस्या के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, परंतु हमारी जो ध्यान है परमेश्वर, जो उस सारे समस्या को समाधान कर सकता है, उसके ऊपर होने पाए। यदि आज आप ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में तकलीफ है या कठिन परिस्थितियां हैं या आपके मन में डर या संदेह है, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आपके सामने खड़े हुए बहुत बड़ी समस्या को ऊपर अपने ध्यान मत रख लीजिए। आप अपने नज़र को परमेश्वर के ऊपर रखें, जो परमेश्वर इन सब समस्या को समाधान कर सकता है और आपके परिस्थिति को बदलने के योग्य है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु इन सारे जिंदगी के लिए जो बाइबल में हम देखते हैं, जिसके द्वारा हम आज हमारे जिंदगी को चलाने के तरीका को सीख सकते हैं। खुदा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब इस संकट में होकर जा रहे हैं, खुदा प्रभु आप हमको सहायता करें, केवल हम ये विश्वास ना करें आप हमारा साथ है, परंतु उनके साथ साथ उस विश्वास के कदम उठाएं, हमारी समस्या के ऊपर अपने ध्यान ना लगाते हुए, परंतु हमारी जो ध्यान है प्रभु उसको हम आपके ऊपर रख सकें, हमारे विश्वास को हम आपके ऊपर रख सकें, क्योंकि हम जानते हैं आप इन सारे समस्या को समाधान करने वाला परमेश्वर, और आप सामर्थी और आप अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हैं।
परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे विश्वास को और बढ़ाएं, ताकि इन समस्या के ऊपर हमारा ध्यान ना रहे परंतु हम आपके ऊपर अपने पूरे ध्यान रख सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन को आपके हाथ में समर्पित करते हुए, आज के दिन की हर एक कार्यक्रम को और क्रिया को हम आपके सामने करते हैं खुदा। प्रभु उन सब चीज़ों को आप आशीषित कर, और हमारी कलिसिया के हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं इस बीमारी के समय पर प्रभु हम हर एक व्यक्ति को आप बचा कर रखें, सुरक्षित रखें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपका आशीष दें, आज के दिन आपके लिए बेहतर और खूबसूरत दिन होने पाए। विश्वास करें और परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा करके लगातार आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।